हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो अभी तक अभी अपन लोगों ने टैक्सेशन के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें की थी, यहाँ हमने पार्ट वन के अंदर काफ़ी सारी बातें आप लोगों से की थी, करेक्ट? जहाँ पर अपन लोगों ने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन, हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन फॉर द इंडिविजुअल, और करेक्ट, ये सारी चीज़ें अपने वहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने कंप्लीट करी थी, राइट? अब अपन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, चलें? सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर गोइंग टू द रिवीजन, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द टैक्स रेट्स फॉर द इंडिविजुअल असेसी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल व्हाट इज द टैक्स रेट्स दैट यू कैन यूज़। तो यहाँ पर देखना बच्चों, मैंने तीन पर्टिकुलर टेबल्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है, करेक्ट? दैट इज इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन, वेदर इट इज़ अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। यहाँ पर तीन स्लैब सिस्टम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दी स्लैब दैट इज प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सनस, वेयर दैट टोटल इनकम इज मोर अप टू ₹2,50,000, द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन विल बी निल। इफ़ योर इनकम इज मोर देन 250 बट अप टू 5 लाख, देन इट इज 5%। If your income is more than 5 lakh but up to 10 lakhs, then it is amount is 20%, and more than 10 lakh, then it is a 30%. तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन जो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर रखी गई है, दैट इज अबाउट 2,50,000, राइट? दैट इज़ अ जनरल टैक्स स्लेब जो नॉर्मल रेजिडेंट को, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो एप्लीकेबल होगी यहाँ पर, राइट? बट यदि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सर कौन रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है बट लेस देन 80 ईयर्स है, देन ही विल फॉल ऑन टू द नेक्स्ट स्लैब, दैट इज अमाउंट ₹3 लाख, वेयर इज व्हाट बेसिक एग्जम्पशन अप टू 3 लाख, देर इज नो टैक्स एट ऑल। फ्रॉम अमाउंट 3 लाख टू 5 लाख, द रेट विल बी 5%। फ्रॉम द अमाउंट 5 लाख टू 10 लाख, द रेट ऑफ टैक्सेशन इज अ 20%। एंड फ्रॉम इफ द अमाउंट इज मोर देन 10 लाख और योर इनकम टोटल इनकम, देन द रेट ऑफ टैक्सेशन इज व्हाट 30%। सो बेसिकली द डिफरेंस इज व्हाट, बस पहली वाली स्लैब के कंपैरिजन में जो सेकंड स्लैब है, वहाँ 2,50,000 की जगह पर जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 3 लाख यहाँ पर कर दिया गया है, राइट? सेकेंड प्रोविजन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो स्लैब रेट दी गई है, वो दी गई है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, जिन लोगों की एज 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉल करती है। तो if your age is more than 80 years or more, then the total income is up to 5 lakh, then the amount of taxation is a nil. If your amount is more than 5 lakh but up to 10 lakh rupees, then the amount of taxation rate is 20%. If your amount is more than 10 lakh, the taxation rate is amount 30%. So these are the tax rates that is applicable to the different set of individuals according to their age. सो आपको ये स्लैब बहुत अच्छे से ध्यान करनी है, याद रखनी है। रीजन बींग वाई, क्योंकि जब कभी भी आपको टैक्स टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पर ये स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टैक्स कैलकुलेशन के रिगार्ड में। इसके बाद मैंने आपको एक सर्कुलर दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। एक बात बताना, किसी पर्सन की बर्थडे 1 अप्रैल को आती है, राइट? कोई पर्सन यदि अपनी बर्थडे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है, राइट? तो एक चीज़ बताना मेरे को, यदि 1 अप्रैल 2024 को उसका 60th या 80th बर्थडे फॉल हो रहा है, तो जस्ट प्रीवियस ईयर जो अभी आपका निकला है 2023-24, उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के लिए आप लोग हायर बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? अब बहुत सारे बच्चों के मन में विचार होगा कि सर 1 तारीख को बर्थडे है 1 अप्रैल को, तो मतलब अल्टीमेटली मैंने जो 60th ईयर जो एज है वो 1 तारीख को पूरा करा या जस्ट प्रीवियस डे पूरा कर लिया? तो हमेशा ध्यान रखना, ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है यहाँ पर, ये सर्कुलर बाद में फिर सीबीडीटी ने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि जिस दिन बर्थडे का डेट होता है ना, उससे जस्ट प्रीवियस डे वाला जो डे होगा उस दिन अपनी आप पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेते हो। इट मीन्स इफ योर बर्थडे ऑन लाई ऑन अ 1 अप्रैल, तो 31 मार्च को ही आपने वो पर्टिकुलर एज अटेन कर ली है, मतलब आप प्रीवियस ईयर के लिए हायर बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट यहाँ ले सकते हो। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में चीज़ पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको कुछ सरचार्ज की टैक्स रेट्स दी रही है। सर अब सरचार्ज कब लगाते हैं? देखो, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से खुश नहीं होती है, दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल, फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। अब जब ये सरचार्ज का टैक्सेशन जब लगाया जाता है, सरचार्ज अल्टीमेटली टैक्स पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब आपका टैक्स का अमाउंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर आता है, राइट?
जब आपका पर्टिकुलर जो अमाउंट है टोटल इनकम का वो एक स्पेसिफिक, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हो ना, तब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं यार अब थोड़ा सा हमें भी चाहिए, राइट? तो दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। अब सरचार्ज की रेट जो है वो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में प्रोवाइड की हुई है आपको, अप टू 50 लाख। देर इज नो नीड टू गिव अमाउंट एन अ सिंगल अमाउंट ऑफ सरचार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर इनकम। हाँ, बट इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, द सरचार्ज रेट विल बी 10%। इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, देन सरचार्ज इनकम विल बी 50% टैक्सेशन। एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, देन सरचार्ज रेट विल बी 25%। एंड इफ योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़, देन सरचार्ज रेट विल बी 37%। आई नो दैट यहाँ पर बहुत सारी रेट है, याद करने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, बट आप जब कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको कोप अप होती जाएंगी, राइट? तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, अपने क्या क्या बोला। अपन ने लोगों का 50 लाख तक नील है, 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना परसेंट है, 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक कितना हो जाएगा 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ इज वॉट 37% सरचार्ज रेट। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। सर ट्विस्ट कैसे? अब सीधी सी बात है, टैक्स तो आसान तो होने वाला है नहीं है, ठीक है? तो देखो, मैंने लास्ट में इसकी कैलकुलेशन के लिए एक चीज स्पेसिफाई की है, क्या? यदि सर असेसी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 2 मिनट के लिए रुक जाना, एकदम से सरचार्ज मत लगाने लग जाना। मतलब आपको पहले चेक करना है कि वो जो 2 करोड़ से ऊपर यदि आपकी इनकम आ रही है, तो क्या इस इनकम के अंदर कुछ स्पेसिफाइड इनकम इंक्लूडेड है क्या? सर स्पेसिफाइड इनकम मतलब, स्पेसिफाइड इनकम का मतलब होता है लाइक डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और 112A, करेक्ट? तो ये कुछ स्पेसिफाइड इनकम है, डिविडेंड की इनकम और कैपिटल वन, कैपिटल गेन चाहे वो 111A वाला हो या 112A वाला हो, राइट? दोनों ही सिचुएशंस में जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड टू 15% है। भले ही आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा क्यों ना हो जाए, फिर भी ये सरचार्ज की रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, राइट? अब सर हम इसे कैलकुलेशंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने नीचे आपको एक एग्जांपल दिया है, उसके बेसिस पे हम देखो, ये जो प्रोविजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे बड़े इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो कि यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है इनकम को, रिमेनिंग इनकम कितनी है और वो जो स्पेसिफाइड इनकम है डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली वो कितनी है, राइट? ध्यान रखना, डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली जो इनकम है उस पर तो 15% से ज्यादा सरचार्ज आप देने ही नहीं वाले हो, ठीक है सर? जो रिमेनिंग इनकम है ना, उस पर अप टू 2 करोड़ 15% है, मोर देन 2 करोड़ एंड 5 करोड़ देन 25% एंड मोर देन 5 करोड़ 37%। पर ये पर्टिकुलर प्रोविजो तभी लगाओगे जब आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तभी सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है, राइट? जरा अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नीचे आप एक देखना, आपकी टोटल इनकम यहाँ 100 करोड़ से, क्या 2 करोड़ से ज्यादा है आपकी? नो सर, तो अपन दिमाग ही नहीं लगाने वाले। अब तो सिंपल, अपन अपने स्लैब में जाएंगे और अपन ने देखा था कि 50 तक क्या था, निल था, कोई सरचार्ज नहीं था, राइट? 50 से 1 करोड़ तक 10% था, राइट सर? तो यहां पर आपकी इनकम अप टू 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ ही तो आ रहा है, अप टू 1 करोड़, यस सर। तो यहां पर रेट क्या रहेगा, 10%। अब अपन यहां सेग्रीगेट नहीं करेंगे कि डिविडेंड वाली कितनी है, स्पेसिफाइड वाली और जनरल वाली कितनी, रिमेनिंग, राइट? तो आप पूरे ही इनकम पर क्या लगा दोगे, 10% कैपिटल अल्टीमेटली सरचार्ज की रेट अप्लाई कर दोगे, करेक्ट? सेकंड, इफ योर टोटल इनकम इज 1 करोड़ 40 लाख, क्या ये इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है? नहीं सर। तो यहां पर हम नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, यस सर। अब यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ के बीच में आ रही है, तो ये रेट कौन सी एप्लीकेबल होगी, 15% वाली स्लैब एप्लीकेबल होगी। सेग्रीगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 15% सरचार्ज लगा सकते हो। सेकंड थिंग, 3 करोड़ 80 लाख, अब यहां पर 2 मिनट के लिए रुक जाना है, क्यों? क्योंकि अब यहां प्रोविजो लगेगा। प्रोविजो क्या बोलता था कि यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो फर्स्ट यू हैव टू सेग्रीगेट योर इनकम, ठीक है? तो करते हैं, 380 में से हमने सेग्रीगेट करा, तो 300 तो हमारी आ रही है कौन सी, स्पेसिफाइड इनकम, एम आई राइट? यस सर, 300 तो आ रही है आपकी सेग्रीगेटेड इनकम, डिविडेंड वाली जो स्पेसिफाइड इनकम होती है, और 80 करोड़ जो आपकी आ रही है वो बैलेंस इनकम आ रही है, करेक्ट? अब मैंने क्या बोला था ऊपर प्रोविजो में, जरा देखो, मैंने बोला था कि यदि रिमेनिंग इनकम आपकी अप टू 2 करोड़ है, तो 15%। अब ये गलती मत कर देना सर कि इनकम तो 1 करोड़ से भी कम है तो मैं कम वाली, नहीं, सिंस जहां पर आपका प्रोविजो लग चुका है, तो आप सीधे 2 करोड़ से ऊपर वाली सिचुएशन के केस में क्या करना है आपको, अप टू 2 करोड़ तक तो 15% ही लेना है। तो सर अल्टीमेटली मैं बोलूं बच्चों आप लोगों से कि जो बैलेंस इनकम है 80 करोड़ वाली, इस पर तो सर हम सीधे कितना लगा देंगे, 15% लगा देंगे एज पर द प्रोविजो, ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं इसमें। बात आती है 300 करोड़ पे,
अब 300 करोड़ वाली के लिए जरा अपन देखते हैं, इसके लिए क्या बोला था प्रोविजो ने, इसने बोला था कि यहाँ पर जो रेवेन्यू आपकी जो स्पेसिफाइड इनकम है डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली, ये यदि आप ये यहाँ पर जो आपकी टैक्स की रेट है सरचार्ज की रेट, वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जरा हम देखते हैं कि 300 करोड़ से ऊपर इनकम इनकम होती है तो टैक्स सरचार्ज की रेट क्या आती है। देखो 3 करोड़ से ऊपर यदि सरचार्ज की रेट 25% है, पर इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड 15% पर कर दिया इसको, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो रेट आपकी एप्लीकेबल होगी स्पेसिफाइड इनकम के लिए वो भी कितनी होने वाली है, 15% होने वाली है, राइट। चलिए एक और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, 640 वाला, यहाँ पर भी मोर देन 2 करोड़ है, पहले सेग्रीगेट करके देख लिया अपन लोगों ने, राइट सर। मैंने बोला जो आपकी डिविडेंड वाली इनकम है वो तो रेस्ट्रिक्टेड है 15% तक, यस सर, इस पर तो 15% लगा दिया। और बात करें यदि हम बैलेंस इनकम के बारे में, तो क्या बैलेंस इनकम अप टू 2 करोड़ तक कितनी, 15%, यस सर, तो यहाँ पर भी आप 15 लगा दोगे। नेक्स्ट केस देखते हैं 420, मोर देन 2 करोड़ है, यस सर, सेग्रीगेट कर लो 100 और 320। चलो देखो 320 वाली जो है ये बैलेंस इनकम है और 100 करोड़ जो है वो आपकी डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम है। जरा एक चीज चेक करते हैं सर कि 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के बीच में आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ होती है, तो कितनी होती है डिविडेंड और कैपिटल गेन के केसेस में जो मैक्सिमम रेट है वो रेस्ट्रिक्टेड टू 15% है, यस सर। देखो यहाँ पर आपकी जो इनकम है ना वो मोर देन जो जा रही है, लिमिट जो आपकी क्रॉस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपकी बैलेंस इनकम बहुत ज़्यादा है। बैलेंस इनकम कितनी है, 320 है। जरा बैलेंस इनकम के बारे में बात करूँ तो बैलेंस इनकम यदि आपकी 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में होती है तो आप रेट ऑफ टैक्सेशन कितनी रखोगे सरचार्ज की, 25%। और वहीं यदि मैं बात करूँ प्रोविजन के अकॉर्डिंग डिविडेंड कैपिटल गेन की, तो वहाँ पर रेट ऑफ सरचार्ज रहने वाली है आप लोगों की 15%, राइट। चलिए उसके बाद मैं नेक्स्ट केस देखूं 6 करोड़ 50 लाख के केस में, तो यहां पर स्पेसिफाइड इनकम 1 करोड़ एंड अदर इनकम आपकी 5.50 करोड़, तो 5150 करोड़ से रिमेनिंग इनकम जो 5 करोड़ से ज्यादा आ रही है ऊपर वाली स्लैब के अकॉर्डिंग, तो यहां पर 37% रहेगा और डिविडेंड की इनकम आपकी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी 15% तक। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक बार आप इसको अच्छे से करके देखो बच्चों, ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। रीजन बिंग वाई ये क्यों लगाया गया है, मैं इसका एक रीजन बताता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन रेजिडेंट्स, बहुत सारे NRIs जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, कंपनीज में लगाते हैं, बट जब वो उस पैसे को बाद में रिटर्न करते हैं, जब उन्हें रिटर्न उसकी मिलती है, उस पैसे पर कोई कैपिटल गेन होता है, तो उस पैसे पर आपकी जो रेट ऑफ टैक्स की रहती है वहाँ पर सरचार्ज ज़्यादा लगा दिया जाता था, तो वो उस चीज से बड़े नाखुश थे। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजो लेकर के आई कि जो ये नॉर्मली ये डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम इन्वेस्टर्स की होती है, तो इसलिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स की जो सरचार्ज की रेट थी उसे रेस्ट्रिक्ट करा 15% तक, जिससे उन पर एक लीगल हास्ट ना पड़े कि एक तो वो पैसा दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए और फिर आप उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज कर रहे हो, तो दिस इज नॉट बी अ गुड सेंस इन केस ऑफ डेवलपमेंट इफ यू वॉन्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ अ प्रोविजन रिलेटेड टू द सरचार्ज। आई होप यू गेट द लॉजिक ऑल्सो एंड द कैलकुलेशन ऑल्सो, राइट। चलिए तो दिस इज अबाउट ऑफ व्हाट इंडिविजुअल असेसी, जहां पर इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज की रेट जो है वो क्या एप्लीकेबल आपके लगे रहने वाली है, करेक्ट, राइट। चलिए हाँ आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा और आगे प्रोविजंस को देखते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी के केस में, चलिए देखो कंपनी के केस में जब आप सरचार्ज की रेट के बारे में बातें करोगे तो कंपनी के केस में दो तरीके की कंपनीज आती हैं, एक आती है डोमेस्टिक कंपनीज और एक आती है फॉरेन कंपनीज, राइट। डोमेस्टिक कंपनीज के रेट में जो टैक्स की रेट है वो 30% है और फॉरेन कंपनीज के केस में 40% है टैक्स की रेट, डोमेस्टिक में 30 और फॉरेन में 40%। बट एक स्पेशल रेट और प्रोवाइड की गई है डोमेस्टिक कंपनीज को यदि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करती है, क्या, इफ देर अ टोटल टर्नओवर और अ ग्रॉस रिसीप्ट इन द प्रीवियस ईयर 21-22, ये ईयर याद रखना 21-22 में लेस देन 400 करोड़ रहा था यदि आपका टर्नओवर, तो यू कैन ऑप्ट द टैक्स रेट ऑफ 25% फॉर द डोमेस्टिक कंपनी, राइट। चलिए उसके बाद यदि मैं बात करूँ सरचार्ज के रेट के बारे में, तो सरचार्ज की रेट किस तरीके से एप्लीकेबल है, तो डोमेस्टिकली डिफरेंट सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होंगी और फॉरेन कंपनी के लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगी, राइट। जरा देखना यदि आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ से, तो सरचार्ज की रेट डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% है और वहीं फॉरेन कंपनी के लिए ये 2% रखी गई है। अब मन में विचार आ रहा होगा कि सर फॉरेन कंपनी पे इतना मतलब क्यों किया जा रहा है, मतलब कम रेट क्यों लगाया जा रहा है,
तो भाई उन पर टैक्स की रेट भी तो ज़्यादा थी ना, 30 की जगह 40 ले रहे थे उनसे, तो सरचार्ज में तो थोड़ा सा छूट दो ना। उसके बाद यदि हम बात करें, इफ़ योर इनकम इज मोर देन 10 करोड़, दैन द सरचार्ज रेट विल बी 12% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए लास्ट में मेरे एक नोट दिया हुआ है क्या, कि यदि डोमेस्टिक कंपनी कैन ऑप्ट फॉर द सेक्शन 115BAA एट द रेट 22% और अ सेक्शन 15BAB एट द रेट 15% एज द केस मे बी सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस, दीज सेक्शंस विल बी डील्ड विद इन डिटेल एट फाइनल। एक्चुअली मैं बताता हूँ अभी क्या है, कंपनीज के टैक्सेशन के लिए और इंडिविजुअल असेसी के टैक्सेशन के लिए एक नई टैक्स रिजिम डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई है, करेक्ट, और वो सेक्शन है 115BAB, 115BAA, 115BAC, बट ये सेक्शंस अभी इंटर के लेवल पर आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट। चलिए तो यदि आप इग्नोर भी करना चाहो इस नोट को तो कर सकते हो, कोई काम का नहीं है, बट एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से बता दिया कि आजकल सुनते हो गए आप मार्केट में कि एक नई टैक्स रिजिम आई है कहीं, तो ये भी ऑप्शन है, मतलब आप लेना चाहो तो असेसी ले सकता है, यदि पुरानी पे चलना चाहो तो पुरानी पे भी चल सकता है, तो ये वही स्पेसिफाइड टैक्स रिजिम है जिनके बारे में आप फाइनल लेवल पे पढ़ने वाले हो, राइट। चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में। सर फर्म और लोकल अथॉरिटी का टैक्सेशन सिस्टम बड़ा इजी है क्या, यदि फर्म को सर कोई भी एक सिंगल रुपया भी यदि आपने कमाया ना, सर देखो इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन, 3 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन थी, 5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन देंगी, राइट। कंपनी के केस में सिंगल अमाउंट भी कमाते हो टैक्स देना पड़ेगा आपको। सर फर्म के केस में भी यदि आप सिंगल अमाउंट रुपए भी इनकम अर्न करते हो तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑफ रुपीज 30% योर टैक्स रेट, करेक्ट। और इफ वी टॉक अबाउट द सरचार्ज, सरचार्ज के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लैब दी हुई है क्या, इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़ देन द सरचार्ज रेट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 12% रेस्पेक्टिवली। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बहुत ही ईजी था फर्म के केस में, फर्म LLP और लोकल अथॉरिटी तीनों के केस में सेम सिचुएशन रहेगी। इफ यू आर अर्निंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी देन द टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 30%। एंड इफ यू टॉक अबाउट सरचार्ज, तो सरचार्ज ध्यान रखना बच्चों, इफ यूर इनकम मोर देन 1 करोड़ देन द सरचार्ज रेट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 12%, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। चलिए सर कॉपरेटिव सोसाइटी की भी टैक्स रेट पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल सर, ये भी एक डिफरेंट एक टैक्स असेसी होता है जिसके लिए अलग टैक्स रेट्स दी हुई है क्या, बहुत ही इजी है इसको याद करना, जरा देखना। इफ योर इनकम अप टू इज नॉट, इफ योर द इनकम डज टोटल इनकम डज नॉट अप टू, एक्चुअली ये थोड़ा गलत है, इसको सही लिख लेने पर, इफ योर इनकम अप टू, ये डज नॉट बटा देना से, ठीक है, टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो टैक्स की रेट जो है वो 10% एप्लीकेबल रहेगी। इफ योर इनकम मोर देन 10,000 बट अप टू 20,000 देन द रेट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 20%। इफ योर इनकम मोर देन 20,000 देन द रेट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 30%। आई होप यू गेट माई पॉइंट, बहुत ईजी है। देखो 10,000 तक 10%, 10,000 से ज्यादा है बट 20,000 तक है तो 20%, और 20,000 से ज्यादा है इन दैट सिचुएशन 30%, करेक्ट। चलिए सरचार्ज, देखो सरचार्ज के लिए मैं आपसे बोलूँ ना, तो अपन ने वो कंपनी वाला केस पढ़ा था ना, डोमेस्टिक कंपनी वाला, जहाँ पर अप टू 1 करोड़ बट मतलब मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ तक 7% होता था, और मोर देन 10 करोड़ के ऊपर 12% सरचार्ज का रेट रहता था। बिल्कुल सेम रेट एप्लीकेबल कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए भी यहाँ पर होने वाला है, करेक्ट। चलिए ऐसे ही देखो, जैसे मैंने बोला था कंपनीज के लिए BAB और BAC होता है, ऐसे ही आपके इंडिविजुअल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टैक्स रिजिम अलग से आई है, ऐसे ही कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए भी आई है एक नई टैक्स रिजिम, पर वो हमें एप्लीकेबल नहीं है, बस उसी का नीचे एक नोट है छोटा सा। चलिए उसके बाद देखो कुछ कॉमन नोट्स दिए हुए हैं। देखो टैक्स रेट एटमोस्ट हम लोग कंप्लीट लाइव रिकॉर्ड हो रही है बैच पे, हाँ देखो अभी तक हम लोगों ने किस किस असेसी का टैक्स रेट समझ लिया, हम लोगों ने बात कर ली इंडिविजुअल के बारे में, हम लोगों ने बातें कर ली बच्चों किसके बारे में, कंपनी के बारे में, हम लोगों ने बात कर ली पार्टनरशिप फर्म के बारे में, हमने बात कर ली इंडिविजुअल के साथ AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन के बारे में, करेक्ट। यहाँ मेरी कंपनी हो गई, कंपनी में मेरी डोमेस्टिक भी हो गई, मेरी फॉरेन भी हो गई, राइट। यहाँ पर मेरी पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गई आपकी, LLP हो गई, राइट, यस सर, लोकल अथॉरिटी यदि होगी तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई आपकी, उसके बारे में मतलब हमने एटमोस्ट सारे असेसीज की टैक्स रेट यहाँ पर पढ़ लिया,
अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता रहा हूं जो इन सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाले, ध्यान से सुनना बच्चों. क्या सबसे पहले तो देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, स्पेशल रेट्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफाइड इनकम टू ऑल द अबव असेसेस. सर पहली बात तो हमें ये बताइए स्पेशल रेट इनकम क्या होता है. देखो जो अभी तक हमने टैक्स रेट्स पढ़ी थी जनरल टैक्स रेट थी, जनरल टैक्स रेट जो नॉर्मल इनकम पे लगती है, पर इनकम टैक्स में कुछ स्पेसिफाइड इनकम प्रोवाइड की गई है जिनके रेस्पेक्ट में स्पेसिफाइड टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होती है जो उसके साथ दी गई है. इट डजंट मेक एनी सेंस कि चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनी, उसके लिए वो स्पेसिफाइड इनकम पे स्पेसिफाइड टैक्स रेट लगेगी. जैसे इन केस ऑफ कैपिटल गेन के बारे में बात करूं अंडर सेक्शन 112, 112A, 111 है, ये कुछ स्पेसिफाइड इनकम के सेक्शंस हैं जहां पर स्पेसिफाइड टैक्स रेट प्रोवाइड की गई है, तो वहां पर उस रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ इनकम पर आपको वही रेट लगानी है. ओके सर, इसके बारे में अपन लेटर ऑन क्वेश्चंस भी करेंगे. डाउन परी द स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस हैव टू बी अप्लाइड ऑन द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ टोटल इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रेजिम. मैंने बोला ना चाहे आप कौन सा टैक्स रेजिम ले रहे हो, कौन सी स्लैब ले रहे हो, डजंट मैटर, स्पेसिफाइड पर स्पेसिफाइड टैक्स रेट लगेगी. बेसिक एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द स्पेसिफाइड इनकम. सीधी सी बात है ना, मैंने बोला स्पेसिफाइड पर जो रेट है वो लगानी पड़ेगी आपको. अब आप बोल रहे हो सर इंडिविजुअल को तो 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है तो मैं तो क्यों दूं उस पर टैक्स, 2.5 लाख तक ही आ रहा है मेरा तो स्पेसिफाइड इनकम. नहीं, आप स्पेसिफाइड इनकम के अगेंस्ट में बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, नहीं ले सकते. ध्यान रखना कौन कौन सी होती है स्पेसिफाइड इनकम. कैपिटल गेन की इनकम होती है 112A, 111 वाली, करेक्ट. इस तरीके की कुछ इनकम्स हैं जो अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको स्पेसिफाइड रेट ऑफ इनकम के रिगार्ड में याद रखने, करेक्ट. चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, मार्जिनल रिलीफ. बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना बच्चों. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लॉजिकली हम इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे हम इसे यूज करेंगे कैलकुलेशंस में. लेट्स सी, ये बोलता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द असेसेस. बिल्कुल कोई भी हो, आप कंपनी हो, फर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, हर एक असेसी जो टैक्स पे करता है सबके लिए ये मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा. और एक चीज बताऊं, ये मार्जिनल रिलीफ कब लिखता है, जब आपकी इनकम पे सरचार्ज की लायबिलिटी आ रही होती है ना, तब ये एक पिक्चर में आता है. कैसे आता है मैं भी बताता हूँ. देखो इफ योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़. सर ये अमाउंट क्यों लिखी आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़. एक्चुअल में पता है ये डिफरेंट डिफरेंट असेसीज के केस में सरचार्ज की लिमिट है. एक्चुअली यदि याद करो इंडिविजुअल के केस में अपने पढ़ी थी 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, तो डिफरेंट डिफरेंट सरचार्ज रेट थी. बिल्कुल सर. ऐसी कंपनी जो हमने पढ़ी थी तो वहां पर अपन की 1 करोड़ और 10 करोड़ वाली लिमिट थी. हाँ सर बिल्कुल थी, राइट. कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी थी, फर्म में भी थी, तो हर किसी के केस में सरचार्ज वाली इनकम के कॉम्पोनेंट. तो जब जब सरचार्ज वाली इनकम की लिमिट पूरी होगी आपकी, तब तब आप मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को यहां यूज करने वाले हो, करेक्ट. अब देखो यहां पर आप किस तरीके से मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने वाले हो, तो मार्जिनल रिलीफ का मैंने फॉर्मूला यहां बताया है, टोटल टैक्स माइनस मैक्सिमम टैक्स. चलिए अब सर हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल टैक्सेशन एंड द मैक्सिमम टैक्सेशन, ये चेक करते हैं यहां पर. चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैक्सिमम टैक्स के बारे में. मैक्सिमम टैक्स का जो अमाउंट है, मैक्सिमम टैक्स के बारे में अपन यदि बात करें तो देखना, देखो जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, जिस लिमिट के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है, उस लिमिट तक की जो इनकम है वहां तक आपको पहले टैक्सेशन लगाना है. तो जो भी आपकी उस समय पर थ्रेशोल्ड लिमिट आ रही है 50 लाख वाली, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, व्हाटएवर जो भी लिमिट आ रही है, वहां तक जो भी टैक्स की रेट एप्लीकेबल है उस टैक्स रेट एप्लीकेबल के टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, प्लस जो लिटिल बिट एक्स्ट्रा इनकम है उसे वहां पर ऐड कर दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपकी जो इनकम है कंपनी है कोई असेसी, और कंपनी की इनकम आ रही है 1 करोड़ 1 लाख रुपए. अब देखो इस असेसी बेचारे के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई कि 1 करोड़ 1 लाख होने की वजह से अब वो सिर्फ 30% टैक्स नहीं देगा, अब साथ ही साथ उसे 7% सरचार्ज भी देना पड़ेगा सर, क्योंकि उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 1 करोड़ 1 लाख पर जब तुम 7% की रेट से टैक्सेशन का कैलकुलेशन करोगे तो वो अमाउंट ऑफ टैक्सेशन उस 1 लाख जिसकी वजह से सरचार्ज की लाइबिलिटी आ रही है ना, उससे भी ज्यादा आ रहा है. तो बताओ बेचारा असेसी क्या बोलेगा, वो बोलेगा एक काम करो ना तुम इस एक्स्ट्रा इनकम को ही ले लो मेरे से. बस यही एक रिलीफ देना चाहती है गवर्नमेंट कि डोंट वरी, यदि इस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपको सरचार्ज की लाइबिलिटी आ रही है तो हम आपको कुछ मार्जिनल रिलीफ दे देंगे. कैसे कैलकुलेट होगी जरा देखना, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है फर्म के केस में. इफ योर फर्म इनकम इज 1 करोड़ 1 लाख, अब देखो फर्म के केस में मैंने बात की थी कि सरचार्ज की जो रेट होती है वो यदि 1 करोड़ से ऊपर है तो ही एप्लीकेबल होगी, राइट.
If your income is more than 1 crore, then the surcharge rate applicable will be 12%, right here? Yes, sir. अब एक चीज देखना बच्चों, मैंने सबसे पहले बोला टोटल टैक्स कैलकुलेट करना है आपको, और टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, जो आपकी अमाउंट ऑफ इनकम है 1 करोड़ 1 लाख थी, 1 करोड़ 1 लाख पर यदि मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूं तो नॉर्मली 30% की टैक्स एप्लीकेबल होती है फर्म के केस में, तो दैट इज अमाउंट 30 लाख 30,000 इज अमाउंट ऑफ टैक्स, राइट। सेकेंड थिंग इज वॉट सरचार्ज अमाउंट। अब सरचार्ज की रेट यहाँ एप्लीकेबल होगी 12% होती है सर, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा है। ओके, तो यहां पर टोटल टैक्स की अमाउंट आ गई 33,93,600। गॉट इट? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो नॉर्मली किया हमने, जैसे करते पहले हमने टैक्स निकाल दिया इनकम पर, और फिर उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा दिया जो भी रेट एप्लीकेबल था, तो ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस आ गया, ठीक है। इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी एक्चुअली, दिक्कत है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स निकालने में। ये कैसे निकालेंगे तो जरा देखना। एक चीज बताओ, यहां पर जो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आई वो किसकी वजह से आई? सर ये सिर्फ और सिर्फ इस 1 लाख की वजह से आई, ये एक्स्ट्रा जो 1 लाख है ना, यदि ये नहीं होता पिक्चर में तो मेरे को सरचार्ज की लाइबिलिटी नहीं आती। तो एक काम करो, ये जो लिटिल बिट एक्स्ट्रा मोर इनकम है इसको साइड करो पहले, तो ठीक है सर, इसको साइड कर दिया तो आपके पास अब 2 कॉम्पोनेंट हो गए, एक तो आपका हो गया सर 1 करोड़ और एक हो गया 1 लाख, राइट। ठीक है, 1 करोड़ पे पहले नॉर्मल टैक्स लगाओ, 1 करोड़ का टैक्स हो गया 30%, 30% पे टैक्स लगाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 30 लाख, ठीक है। अब यदि मान लो ये जैसे 2 करोड़ को समथिंग होता है, जैसे आप इंडिविजुअल के केस में करते हो, इंडिविजुअल के केस में जैसे 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ पर टैक्स होता है, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ होता है। अब मान लो आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख आ रही है, तो इंडिविजुअल के केस में यदि 1 करोड़ तक भी होते हैं तो अभी 1/67 तो एप्लीकेबल होगा ना 10% वाला। तो ध्यान रखना, जब तुम ये इस 1 लाख की कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जो भी रेस्पेक्टिव सरचार्ज या रेस्पेक्टिव टैक्स जो भी उस समय पर सिचुएशन एप्लीकेबल है वो आप कैलकुलेट करोगे, राइट। तो यहां पर 1 लाख तक कोई टैक्स सरचार्ज होता ही नहीं है कंपनी फर्म के केस में, तो यस, तो सीधे टैक्स कैलकुलेट कर दोगे 30 लाख। ओके सर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो एक्स्ट्रा इनकम थी ना, उसे कुछ मत करो, उसको जोड़ो, टोटल को ऐड करो उसमें, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट को दे दो, ये बोलते हैं, ठीक है सर। देखते हैं, तो 30 लाख ये टैक्स आ गया, प्लस 1 लाख जो एक्स्ट्रा इनकम थी, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम टैक्स दैट यू कैन पे, दैट इज अमाउंट 31 लाख। नाउ इन दिस सिचुएशन बच्चों, द मार्जिनल रिलीफ इज व्हाट? मार्जिनल रिलीफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट्स, एंड दैट इज अमाउंट 2,93,600, करेक्ट। आपके मॉड्यूल में काफी सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इट आउट, करेक्ट। चलिए चलिए, उसके बाद एक और छोटी सी बात आपसे करनी है बच्चों, क्या कि सर एक पता है रिबेट का सेक्शन हो रहता है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल होता है, हर एक एसएससी को नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूं, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ओके। और वो भी सर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर टैक्स अपने पे आउट कर रहा है, और उसकी देखो रिबेट कब मिलती है, रिबेट पता है कब मिलती है, जब आपकी इनकम अप टू 5 लाख है। इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख देन यू कैन क्लेम द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का अमाउंट क्या होने वाला है, 100% ऑफ टैक्स पेबल जो भी आपकी लाइबिलिटी रहती, या 12,500, विच एवर इज अ लोअर अमाउंट जो भी रहेगा वो आपका रिबेट का अमाउंट रहेगा, जो आप टैक्स के सामने आप इसका रिबेट ले सकते हो, करेक्ट। चलिए, हाँ, अब देखो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल के केस में एक डिफरेंट एक ऑप्शनल टैक्स रिजिम आ चुकी है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC। वैसे ये आपको ज़्यादा इम्प्लीकेबल है नहीं, बट वो मॉड्यूल में दिया हुआ था तो मैंने साइड में लिख लिया प्रोविजन। वहाँ पर इस इनकम की जो लिमिट है वो 7 लाख कर दी गई है एक्चुअली, तो क्योंकि वहां पर स्लैब एक्शन में 7 लाख से ही स्टार्ट होती है, राइट। तो वहां पर आप एक देखो तो 7 लाख रुपीज तक यदि आपकी इनकम है तो आपको रिबेट मिलेगी, और रिबेट की जो रेट है वही 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000। अब ये अमाउंट जो है आपकी 12,500 की जगह 25,000 कर दी गई है नई टैक्स रिजिम के अंदर, राइट। और डिफॉल्ट यदि अपन नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाते हैं तो 12,500 रुपये और 100% टैक्स पेबल, और ध्यान रखना इनकम अप टू 5 लाख है, ये गलती से यहाँ पर एक्सीड आ गया, आई डोंट नो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, बट आपको अप टू 5 लाख रखना है। आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा, करेक्ट। यदि इनकम अप टू 5 लाख है यू कैन क्लेम द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, राइट। चलिए देखो क्या बोल रहा है इसके बारे में, हाँ रिबेट में पता है बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, देखो इसमें एक नोट लिखा हुआ है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड बिफोर एडिंग एच एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एच एंड ईसी बोलते हैं पर इसको आगे देखोगे आप जो 4% के रेट पे हमेशा लगता ही लगता है, तो रिबेट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले वाले कंपोनेंट में मिलेगा।
सबसे पहले आप टोटल इनकम निकलोगे, उस पर आप टैक्स लगाओगे, यदि सरचार्ज एप्लीकेबल हो तो सरचार्ज लगाओगे, यदि मार्जिनल रिलीफ माइनस हो रही तो वो माइनस कर दोगे। अब जो टैक्स पेबल आ रहा है ना, अब इसमें वो और ऐड होगा क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन से, पर अभी वो मत करना ऐड, उससे पहले रिबेट माइनस करो एंड देन यदि कुछ अमाउंट बचती है पेबल तो आप वहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दोगे। और एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं कि सर ये जो रिबेट है ना अंडर सेक्शन 87 है, ये आपको LTCG 112A के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं होती है। स्पेसिफाइड इनकम होती है एक तरीके की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, जहां पर रेट ऑफ टैक्सेशन 10% दी हुई है, वहां पर रिबेट आपको अवेलेबल उस इनकम के अगेंस्ट में नहीं रहने वाली है। करेक्ट। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रिबेट। अब एक चीज बताता हूँ, आपके मन में एक विचार आएगा, सर अभी तक आपने बाकी जो हमने प्रोविजंस पढ़े थे वहाँ तो आपने टैक्स रीजन अलग अलग नहीं पढ़ाई थी, कंपनी के केस में भी गवर्नमेंट ने एक नई टैक्स रीजन दे रखी है, कॉपरेटिव सोसाइटी के केस में भी दे रखी है, तो फिर आपने यहाँ क्यों पढ़ाया? क्योंकि इंडिविजुअल की टैक्स रीजन जो नई वाली आई है ना, वो यहाँ आपको दी हुई है और मैंने उसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए समराइज किया है, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। और आई होप सो शायद इस पर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। करेक्ट। तो जरा ध्यान से देखना, ये नई जो टैक्स रीजन है 115 BAC के लिए, जो इंडिविजुअल असेसी के लिए एप्लीकेबल है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो, इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रीजन बोला गया है और जो पहले जो प्रोविजन चलते थे उन्हें ऑप्शनल बोला गया है। ठीक है, तो ये नाम का फर्क है, दैट इज अ न्यू टैक्स रीजन 115 BAC। क्या बोलती है? देखो, इसमें टैक्स की रेट की जो स्लैब थी ना पहले, एज वाइज होती थी जो, पहले तो वो हटा दिया सिस्टम, अब सीधी एक लंबी चौड़ी स्लैब दे दी है। क्या? देखो, टोटल अप टू 3 लाख नल। अब देखो, एक साइड से जो इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है वो 3 लाख के गैप से होगी। देखो, 3 to 6 लाख, 6 to 9 लाख, 9 to 12 लाख, 12 to 15 लाख एंड अप टू मोर देन 15 लाख, 15 लाख तक की स्लैब्स है। ठीक है, 3 तक निल है, फिर उसके बाद 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 एंड देन मोर देन 15। राइट। रेट क्या एप्लीकेबल रहेगी? देखो, रेट बड़ी सिंपल है। देखो, 5, 10, 15, 5, 5, 5 कैसे चेंज होगा, उसके बाद फिर जो चेंज होगा 5, 10, 15, 20, यहां तक 5, 5, लास्ट वाला जो टैक्स रेट बढ़ेगा वो 10% से बढ़ जाएगा 30%। तो दोबारा बोलता हूँ, 3 लाख तक तो निल है। ठीक है सर, उसके बाद फिर आपको टैक्स कैसे, इनकम कैसे बढ़ानी है, 3 to 6 लाख, 6 to 9 लाख, 9 to 12 लाख एंड 12 to 15 लाख एंड मोर देन 15 लाख। ठीक है, 3 to 6 लाख में कितना आएगा, 5%, 6 to 9 लाख में कितना आएगा, 10%, 6 to 9 लाख में कितना आएगा, 15%, 9 to 12 लाख में कितना आएगा, 20%, 9 to 12 में 15%। देखो, आप इस तरीके से लिखो, मैं बस सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अप टू 3 लाख निल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप एक तरफ इनकम लिख दो अपनी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और मोर देन 15। ठीक है, यहाँ पर आप बताओ टैक्स रेट में शुरुआत में निल है फर्स्ट वाले में, तो उसके बाद 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, लास्ट में सीधा 30। करेक्ट। आई होप यू गेट द टैक्स रेट्स। अब सर, ये टैक्स रेट तो ईजी है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि इसके साथ बहुत सारी कंडीशंस अटैच्ड की गई है। भाई, गवर्नमेंट बोलती है जब हम आपको कंसेशनल टैक्स रेट्स दे रहे हैं तो हम आपसे कुछ बेनिफिट्स जो है वो विड्रॉ करेंगे, जो अवेलेबल होते थे नॉर्मली एसएससी को। सर, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो जरा अपन देखते हैं कौन कौन सी आहुतियाँ जो हैं वो आपको इस रेजिम को लेने के लिए देनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी हेड के बारे में। तो सैलरी हेड में आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं? तो अंडर सेक्शन 16 आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी के इनकम के अगेंस्ट में 50,000 का है, अंडर सेक्शन 16(1)(a). एक आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, और एक आपको प्रोफेशनल टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। ये तीनों के तीनों आपको जो डिडक्शंस थे, अब ये अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं आपको नई टैक्स रेजिम के अंदर। ये हम रेस्पेक्टिव जब हेड पढ़ेंगे तो मैं आपको इन तीनों अलाउंसेस डिडक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। करेक्ट। उसके बाद 10(5) के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जम्पशन मिलता है एक्चुअली, तो वो लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जम्पशन अब आपको नहीं मिलने वाला है। 10(13)(a) के अंदर आपको HRA का अलाउंस मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है हाउस रेंट अलाउंस के रिगार्ड में, जब हम सैलरी हेड पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर। और एक 10(14) में आपको स्पेशल अलाउंसेज मिलते हैं अंडर सेक्शन 10(14) में। करें, उनके केस में भी आपको कोई एग्जम्पशन अलाउड नहीं रहेगी। और हाँ, इसमें बस एक एक्सेप्शन है, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट, इन चारों को छोड़ के बाकी सभी के केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, सिर्फ इन चार के केस में मिलेगी। राइट। चलिए, तो ये तो आपको सैलरी हेड की कुछ आहुतियाँ देनी है। 16 के कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, 10(5) में आपको लीव ट्रेवल कंसेशन वाला एग्जेम्पशन मिलेगा, 10(13)(a) में HRA का नहीं मिलेगा, और 10(14) में स्पेशल अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट।
ठीक है चलो अब हम आ जाते हैं IFRS पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। IFRS में यदि अपन बात करें तो 1017 में एक डेली अलाउंस मिलता है, डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस जो MPs और MLAs को मिलता है, तो वो आपका यहाँ पर अलाउड नहीं होगा उसका एग्जम्पशन। और आपको एक एग्जम्पशन मिलती है अपने माइनर चाइल्ड के रिगार्ड में, जब माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट की इनकम में इंक्लूड किया जाता है ना, तो एक एग्जम्पशन मिलती है, तो वो एग्जम्पशन आपको 1032 वाली अब नहीं मिलेगी। यस सर, सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ें छोड़नी होती है ना, वो होती है PGBP हेड में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। करेक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें सर, एक तो देखो 10AA के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलती है, टैक्स होलीडे पीरियड मिलता है कुछ स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन में जब यूनिट सेटअप होती है तो, राइट, तो वो 10AA वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली आपको। 13(2)(1) सबसेक्शन 2A, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% इफ योर कंपनी इज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट, यदि याद आया हो तो थोड़ा बहुत, पैसे अपन PGBP हेड पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला प्रोविजन आपको ये अवेलेबल नहीं रहेगा। उसके बाद 35(1), 2, 2A, 3 और 35(2AA, सर ये क्या है, देखो ये सारी चीज़ें कुछ 35 सेक्शन के अंदर अप्रूव्ड डोनेशंस दे रखी है, कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं जिनके केसेस में, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं जहां पर आपको 100% डिडक्शन अलाउड होता है, तो वो यहां अलाउड नहीं है। जैसे मैं बताता हूं एक एक करके, सबसे पहले तो नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आपने सर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है किसी नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहा है, अंडर सेक्शन 35(1)(2) में इसका 100% डिडक्शन मिलता है, बट आपको यहां नहीं मिलेगा। ये अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है, किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया है, आपको यहां पर भी उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला, डिडक्शन नहीं मिलने वाला बच्चों। और वहीं आपने नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस को सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो भी आपको यहां नहीं मिलेगा। और 35(2AA) के अंदर देखना, कोई भी अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT, स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम अंडर सेक्शन 35(2AA), ये भी आपको अवेलेबल नहीं होने वाला। यदि मैं वही बात करूं हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 24B के अंदर आपको SOP के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में, लोन जो लिया है आपने उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो भी अब आपको अवेलेबल नहीं रहने वाला। करें, उसके बाद में बात करूं डिडक्शंस के बारे में, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक जो आपको मिलते हैं, वो आपको कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अवेलेबल नहीं रहेगा, यदि आप नई वाली ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115BSC अडॉप्ट करते हो तो बच्चों, एक्सेप्ट कुछ छोड़ करके, मतलब कुछ डिडक्शंस मिल जाएंगे, कौन कौन से मैं बता देता हूं, 80CCD2, 80CCS2 और 80JJAA। देखो 80CC2 कौन सा होता है, जब आप नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की, वहां पर यदि एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो एक उसका डिडक्शन मिलता है 80CC2 में, वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80CCH2 के अंदर अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करी, वहां पर यदि आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 80JJAA का डिडक्शन मिलता है यदि कोई कंपनी नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है तो उसकी कॉस्ट का एक डिडक्शन मिलता है, तो ये वाला बेनिफिट मिल जाएंगे। तो तीन डिडक्शन ही बस अवेलेबल है, 80CC2, 80CCH2 और आपका 80JJAA, बाकी कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, यदि आप ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑप्ट आउट ऑप्ट करते हो तो, राइट। चलिए, आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में अच्छे से आए होंगे। अब कुछ एडिशनल पॉइंट और दिए हुए हैं इस नई टैक्स रिजिम के बारे में, क्या ये बोला, सर्टेन लॉसेस इज नॉट टू बी अलाउड सेट ऑफ, मतलब ये बोल रहा है सर कि ब्रॉड फॉरवर्ड और अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एट्रिब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शंस रेफर टू इन वन अबव, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है, देखो ऊपर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जो हमें छोड़नी पड़ेगी, राइट, अब जब हम इन चीजों को छोड़ेंगे तो इसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ेगी। यस सर, हमारी इनकम बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है सर हमारी इनकम, हमारी टैक्सेबिलिटी ज़्यादा आएगी। अब सर इन ऊपर वाले आइटम्स की वजह से कोई हमारा पुराने साल का कोई लॉस वगैरह कोई ऐसा आ रहा होगा, या इनकी वजह से कोई हमारा पुराने साल का कोई लॉस, देखो जब अपन ने इन खर्चों को क्लेम किया होगा तो हमारी इनकम कम हुई होगी, तो हो सकता है उसके से लॉस आ गया हो, और वो लॉस का जो आने का रीज़न था वो ये वाले खर्चे थे जो अलाउड ही नहीं होते थे, करेक्ट, तो इनकी वजह से यदि कोई लॉस इंकर्ड हुआ था प्रीवियस ईयर में तो उस वाले लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करने का अलाउड नहीं करेंगे, आपको सेट ऑफ करने का अलाउड नहीं करेंगे, राइट, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसे आप किसी अदर हेड ऑफ इनकम के साथ यहाँ पर अलाउड नहीं कर सकते हो। डेप्रिसिएशन के केस में ध्यान रखना, या फिर में कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन की रेस्पेक्ट क्या नहीं रहा,
डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 40% ही मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जब आप पीजीबीपी हेड पढ़ोगे तो वहां पर डेप्रिसिएशन के रेट में 45% भी रेट पहुंच जाती है, पर नहीं, यदि आप ये नई टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो मैक्सिमम 40% तक का ही डेप्रिसिएशन यहां पर क्लेम आप कर पाओगे। नो एग्जेम्पशन और डिडक्शंस फॉर द अलाउंसेस और परक्विजिट अंडर प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ, बिल्कुल आपको किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी अलाउंस और परक्विजिट के अंदर। हाँ, एएमटी क्या होता है सर, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्सेशन स्कीम होती है। एएमटी के बारे में यदि बात की जाए तो पर्सन्स इज नॉट लाइबल टू टे टू लाइबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब एएमटी के लिए आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी अंडर सेक्शन 115 JC, तो इसलिए सच पर्सन वुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द एएम क्रेडिट आल्सो। यदि आपकी कोई पुरानी एएमटी क्रेडिट चली आ रही है ना तो आप उसको भी सेटअप नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए नॉर्मली जब कभी भी किसी को सजेशन दिया जाता है कि कौन सी टैक्स स्कीम अडॉप्ट की जाए तो पहले चेक कर लो कि क्या कोई पुरानी एएमटी क्रेडिट चली आ रही है क्या, यदि आ रही है तो पहले उसे यूज कर लो फिर आप नई वाली स्कीम ले लेना। आई होप यू गेट माई पॉइंट। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट दिए हुए हैं, जरा देखते हैं। ये बोल रहा है कि वेयर अनऑब्जर्व्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन व्हिच हैज नॉट बीन गिवन फुल इफेक्ट प्रायर टू द असेसमेंट 24-25 एंड व्हिच इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ इन असेसमेंट 24-25 ड्यू टू द सेक्शन 115 BSE, करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट शैल बी मेड टू द WDV ऑफ द सच ब्लॉक ऑफ असेट ऑन 1 April 2023 and in the prescribed manner, that is the WDB is on 1 April 2023 will be increased by the unabsorbed additional depreciation which is not allowed to be set off. जैसे मान लो सर प्रीवियस ईयर की आपकी कोई unabsorbed depreciation चली आ रही है जो आप सेट ऑफ ही नहीं कर पाए थे क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं हुई थी इतनी, ठीक है। अब सर आगे अब आपसे 115 BSE वाली नई टैक्स रिजिम ले रही है, अब नई वाली टैक्स रिजिम के अंदर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा तो उससे रिलेटेड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस यदि कोई चला हुआ आ रहा है तो वो भी अलाउड नहीं होगा, तो सर अब हम इसका करें क्या? तो देखो ये डेप्रिसिएशन कहाँ से निकाला था आपने, असेट की कॉस्ट को माइनस करके तो निकाला था, तो एक काम करो 1 अप्रैल 2023 को जो भी ओपनिंग WDV है ना ब्लॉक ऑफ असेट्स की उसमें उस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है डेप्रिसिएशन, तो फिर हम सीधी सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसका क्लेम करें। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट योर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग 115 BSE। चलिए एक कुछ टाइम लिमिट्स दी हुई हैं शिफ्ट आउट होने के लिए स्कीम से, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बोला है। इन केस ऑफ एन असेसी हैविंग नो इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, मतलब आपकी बिजनेस और प्रोफेशन का कोई पीजीबी, मतलब पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है आपकी, तो देखो क्या लिखा है, ही ऑब्लिगेट कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर दिस सेक्शन एंड सच ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द रिटर्न। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि यदि आप इस स्कीम से डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट होना चाहते हो, ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आपको 139 की जो रिटर्न की डेट होती है उसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस स्कीम के साथ जा रहे हो, आप हाथ क्या चूज कर सकते हो। वहां पर जब आप रिटर्न फॉर्म नॉर्मली भरते हो तो वहां पर ऑप्शन आता है साइट पर ही कि आप डिफॉल्ट के साथ जाओगे या फिर नॉर्मल प्रोविजन से जाओगे, ठीक है। He may choose to pay the under default tax regime under section 115 BA in 1 year and exercise the option to shift out of the default tax regime another. मतलब एक साल मन कर रहा है मेरा डिफॉल्ट में रहने का, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल मन कर रहा है कि नहीं सर मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मल में जाना चाहूंगा, तो नॉर्मल में जा सकते हो। नेक्स्ट ईयर फिर लग रहा है आपको मैं डिफॉल्ट, तो आप स्विच आउट कर सकते हो कोई, बट जब भी करोगे तो जिस दिन भी रिटर्न भर रहे हो उसके साथ जो भी ड्यू डेट है उस दिन आपको बताना पड़ेगा आप किस स्कीम के साथ जा रहे हो, राइट। चलिए हाँ, अब बात करते हैं उन असेसीज के बारे में जिनकी पीजीबीपी की इनकम भी होती है सर, और जिन असेसीज की पीजीबीपी की इनकम भी होती है उन असेसीज के केस में भी बात की जाए तो देखना, दैट पर्सन हैज टू ऑप्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर दिस सेक्शन एंड द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), वही रिटर्न की जो ड्यू डेट, उससे पहले आपको ये सेलेक्ट करना, मतलब डिसाइड करना होगा कि वेदर यू आर गोइंग विद द पर्टिकुलर स्कीम और नॉट, ओके। And would apply to the subsequent assessment also. मतलब एक बार आपने choose कर लिया तो फिर अब आपके आने वाले सालों के लिए भी यही scheme चलने वाली है, right? जबकि ऊपर वाले केस में जहाँ PGP income नहीं थी जिन assessees की, उनके केस में हर साल आप change ऊपर नीचे कर सकते थे, correct? Okay. Such person who exercise the above definition of shifting out of the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once. And pay tax under the default tax regime under section 115 BSE for a previous year other than the year in which it was excised. देखो, आपके पास एक बार ऑप्शन होगा कि आप छोड़ सकते हो, पर एक बार छोड़ दी फिर दोबारा आप उसके बाद उसमें ऑप्ट नहीं कर पाओगे। Thereafter such person shall never be eligible to action the option under this section except where such person ceases to have any business income in which case. हाँ, वो बात अलग है कि अब उसकी business income भी नहीं रहे तो फिर उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, पर एक बार यदि आपने छोड़ दिया फिर आप दोबारा नहीं जा सकते इसके अंदर, राइट। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अदर देन पीजीबीपी वालों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, पर पीजीबीपी वालों के लिए उन्होंने थोड़ा सा फिक्स कर दिया है, करेक्ट। यदि आप एक बार लेते हो फिर आपको उसी के साथ चलना होगा, करेक्ट। चलिए
ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ वॉट योर न्यू टैक्स रेजिम स्कीम. चलिए एक बार आप इसे देखिए फिर अपन आगे चलते हैं. चलिए तो बच्चों आई होप सो अभी तक आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली होंगी यहां तक. इसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर योर दैट पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड योर चैप्टर वन ऑफ द सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन. करिए अब देखो इसके बाद मैंने आपको कुछ डीम्ड इनकम का एक पर्टिकुलर प्रोविजन दिया है. ठीक है दीज आर सम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम. कुछ ऐसी इनकम जो असेसीज ने नॉर्मल टैक्सेशन प्रोविजन के अंदर जो उनकी लाइबिलिटीज आती थी उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं करी. वो छुपा के बैठे हुए थे यार क्यों टैक्स दे क्यों गवर्नमेंट को देना राइट. पर गवर्नमेंट बोलती है हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे. हमें कब भी कुछ भी ऐसा सस्पिशियस दिखा ना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके घरों में आपके कहीं पर भी किसी भी जगह पर तो हम फिर आपको बहुत ज्यादा वाली टैक्स रेट अप्लाई करेंगे. और इन पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए जो टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा. दैट इज अ स्पेसिफाइड टैक्स रेट. चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस इनकम पर तो यही रेट से टैक्स देना होगा. दीज आर स्पेसिफाइड इनकम. करेक्ट देखो सेक्शन 68 इसमें अपन कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे 68 69 69 ए 69 बी और 69 सी और 69 डी. और इन सारे सेक्शन देखो 68 69 69 ए 69 बी 69 सी और 69 डी. अभी ये क्या होते हैं सेक्शन में सारे बताऊंगा डोंट वरी. ये सिक्स सेक्शंस है 68, 69, 69 ए बी सी डी. चार ये हो गए और दो ये छह. ठीक है इन पर्टिकुलर सेक्शंस में फॉल करने वाली इनकम की जो टैक्स रेट है सुनके आपकी हवा उठ जाएगी. कैसे बच्चों वो 20% 10% 30% नहीं सबसे ज्यादा 60%. जब तुमने गवर्नमेंट से झूठ बोला गवर्नमेंट को बताया ही नहीं तो जब गवर्नमेंट पकड़ेगा तो ऐसे थोड़े छोड़ देगी. 60% तो टैक्स की रेट है 60% और प्लस 25% सरचार्ज है वो भी कंपल्सरीली. ये नहीं कि कम या ज़्यादा आप सीधा 25% सरचार्ज लगेगा इस पर. तो इफेक्टिव जो रेट बनती है आपकी है 78% से आपको टैक्स देना पड़ेगा. इसलिए बोलता हूँ मत छुपाओ कुछ भी चीज़ जो है एक्चुअल वो बता दो. दैट इज द टैक्स रेट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 115 बी. ये स्पेसिफाइड टैक्स रेट जो अपन बोला था ये वो वाली इनकम है. अब इसमें कौन कौन सी इनकम आ रही है छह इनकम आ रही है. इन छह इनकम को एक बार अपन समझ लेते हैं. सबसे पहले बात करता हूँ सेक्शन 68 की कैश क्रेडिट के बारे में क्या बोलता है. देखो वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन असेसी मेंटेन्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन द असेसी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज्ड एट द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ दैट असेसमेंट ईयर. चलिए तो पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने बोला कि सर किसी असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिटेड मिला है सर और असेसी उस अमाउंट का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा है असेसिंग ऑफिसर को. और यदि वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है डिपार्टमेंट की नजर में. तो क्या किया जाएगा सर उसे आपकी इनकम बना दिया जाएगा अनडिस्क्लोज्ड इनकम अंडर सेक्शन 68 राइट सर. जिस इनको पिक करके बोल दे अभी 10 मिनट बाद सर कॉल कर लेंगे. उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड लोन और अ बोरोइंग. अनएक्सप्लेन्ड लोन और बोरोइंग सर ये क्या होता है. जैसे देखो कई बार क्या होगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ अनएक्सप्लेन्ड लोन ले रखा है आपने कोई बोरोइंग्स ले रखी है और आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे. आप बोला है कि एडवांस मिला था हमें किसी से हमें यहाँ से लोन मिला हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है अमाउंट तो डिपार्टमेंट पूछे भाई कहाँ से आया बता तो सही इस व्यक्ति नहीं बता रहे हो आप सोर्स ही नहीं बता पा रहे हो. तो कोई ऐसा अनएक्सप्लेन्ड लोन है या बोरोइंग है या कोई ऐसी शेयर कैपिटल या प्रीमियम की अमाउंट है आपकी जो आप एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे हो डिपार्टमेंट को सर तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी योर पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम और इसे हम आपकी इनकम का पार्ट बना देंगे स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 68. इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है कि वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी इनका काम ही होता है तो इनके लिए ये जो शेयर कैपिटल और प्रीमियम वाली अमाउंट है इसको इसका पार्ट मत बना देना. ठीक है तो तीन चीजें मैंने बताई. यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेसी की में कोई सम क्रेडिट मिलता है और वो उसकी असेसी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है या कोई अनएक्सप्लेन बोरोइंग्स है या फिर कोई आपका लोन मिलता है बुक्स में या फिर आपकी कोई शेयर कैपिटल या प्रीमियम है जो अनएक्सप्लेन अमाउंट आप कर ही नहीं पा रहे हो एक्सप्लेन अल्टीमेटली तो ये आपकी क्या बन जाएंगी सेक्शन 68 के अंदर इनकम का पार्ट बन जाएंगी. उसके बाद मैं बात करूँ सेक्शन 69 की तो अंडर सेक्शन 69 हम बात करते हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट के बारे में. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर तो देखो वेयर असेसी हैज मेड द इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ मेरी बुक्स में मैंने बताया ही नहीं है. असेसी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ एओ
देन द सेम टैक्स जैसे डीम्ड इनकम ऑफ द सच असेट्स इन द फाइनेंशियल. देखो तुम अपनी बुक्स में दिखा लेते हो और तुम एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो 68 में फंस जाते हो. तुम बुक्स में नहीं दिखाते हो, तुमने बाहर कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वेस्टमेंट करके रख रखा है और अब बाद में पता लगे डिपार्टमेंट को तुमने बुक्स में तो बता ही नहीं रखा है, तो अभी वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 69 में. बात आती है फिर सर 69A के बारे में, अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट ऑफ मनी. ये क्या होता है सर, एसएससी के पास कोई अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, बुलियन मिलता है, ज्वेलरी मतलब कैपिटल नेचर का कोई असेट मिलता है, प्रॉपर्टी काइंड ऑफ मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. देखो 69 जो सेक्शन था वहां पर मैंने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है बाहर पैसा, पर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 69A में मेरे पास मेरे घर में बुलियन मिल गई, ज्वेलरी मिल गया, गोल्ड मिल गया, बहुत सारी चीजें मिल गई, कैश मिल गया और डिपार्टमेंट ने पूछा बताओ कहां से आया पैसा, बताओ कहां से इनकम हुई, आप बता ही नहीं पा रहे, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं आपके पास. तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर अनएक्सप्लेन मनी इनकम और इट विल बी इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम, राइट. नेक्स्ट है सर 69B जो कि बात करता है इन्वेस्टमेंट के बारे में. ये बोलता है कि देखो 69 जो हमने पढ़ा था वहां भी इन्वेस्टमेंट के बारे में था, वो हमने दिखाई ही नहीं थे बुक्स में, पर 69B जो हम पढ़ेंगे ना अब यहां, यहां पर दिखाया तो है पर बहुत कम अमाउंट से दिखाया. देखो क्या लिख रहा है, वेयर असेसी हैज मेड द इन्वेस्टमेंट एंड इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी बुलियन, ज्वेलरी और सच अदर वेरिएबल आर्टिकल एंड असेसी फाइंड दैट अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट और एक्वायरिंग सच आर्टिकल एक्सीड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सच मेंटेन्ड बाय द. मतलब सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है कि मैंने 8 लाख में वो चीज ली थी पर एक्चुअल में 20 लाख में ली थी आपने, आपने कम अमाउंट बताई हुई है. मतलब यू आर नॉट शोइंग द करेक्ट फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. इन दैट सिचुएशन जितना भी शॉर्ट फॉल है ना वो आपकी इनकम का पार्ट बना दिया जाएगा अंडर सेक्शन 69B के अंदर. और हाँ एक बार आपसे ए ऑफ से एक्सप्लेनेशन मांगेगा, डिमांड करेगा एंड यू गिव द ऑफर, डेफिनेटली ऑफर द एक्सप्लेनेशन, बट वो एक्सप्लेनेशन आप यदि दे रहे हो और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी या फिर आपने दी आप या फिर दे ही नहीं पा रहे हो तो फिर सिचुएशन में आप इस इनकम के लिए टैक्सेबल हो जाओगे. नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, वेयर एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड ही ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर और द एक्सप्लेनेशन इज द अनसेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द एओ. असेसिंग ऑफिसर कैन ट्रीट सच अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एज द असेसी ऑफ द एज द इनकम ऑफ द असेसी फॉर द सच फाइनेंशियल. अब देखो हुआ क्या, आपने रिटर्न भरी, इनकम दिखाई, इनकम का पीएनएल देखा डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ने देखा कि तुमने पीएनएल में जो खर्चा डाला हुआ है 1.5 करोड़ रुपए का और इस खर्चे को तुमने सस्पेंस के नाम से दिखा रखा है. तुमसे पूछा गया डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस देगा कि बताओ भाई ये कहां से आया सस्पेंस में 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा, क्या है ये? आप बोल रहे हो बता नहीं यार ये सस्पेंस कहां से आया, तुम्हारे अकाउंटेंट ने लिख के दिया था, हमने दे दिया. मतलब यू आर नॉट गिविंग अस appropriate explanation for that particular thing. If you are not been able to offer an explanation or if you are giving the ultimately if you are offer the explanation but it is not a satisfactory, so in that situation that will be the part of your income. हाँ पांच मिनट बाद असेशन ठीक है चलिए. Such explained expenditure which is deemed to be income of the SSE shall not be allowed as a deduction for the head of income. ठीक है हाँ एक चीज और, अब पता है हुआ क्या, तुमने इस डिपार्टमेंट ने इस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को तुम्हारा इनकम का पार्ट बना दिया, राइट बना दिया. अब तुम बाद में बोल रहे हो कि मैं सर इसका है ना डिडक्शन लूंगा, अब आपने मुझे खर्चा अलाउड नहीं है, मैंने टैक्स तो दे दिया मैं तो खर्चे पर डिडक्शन ले सकता हूँ. नहीं 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 नहीं, हम दोनों तरफ से मारेंगे ना, खर्चे का डिडक्शन लेने देंगे अब और दूसरा इनकम तो बना ही दिया हम आपने. नेक्स्ट दैट इज 69D जो कि अमाउंट बोरो करते हो आप हुंडी पर काइंड ऑफ kind of, तो उस अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी. तो ये आजकल ये हुंडी क्या होता है, कमेटी वगैरह नहीं बनती, पूरा आजकल तो सिस्टम बंद हो गया पर पुराने जो शहर या गांवों में जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन मिलकर के एक कमेटी चलाते थे काइंड ऑफ देखा हमने, तो पैसे डिपॉजिट कर देते थे फिर जिसका नंबर आता था हर महीने, तो ये वो वाला सिस्टम होता है. तो ऐसा कोई भी अमाउंट बोरो करते हो रिपेड करते हो आप हुंडी पर तो इज रिपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक. अकाउंट पे चेक के अलावा किसी चीज से आप यदि काम करते हो सर, सो रिपेशन डीम देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट शैल बी द डीम टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरिंग और रिपेइंग द फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट हैज बोरोड और रिपेड एज द केस मे बी. हाउएवर वेरी अमाउंट हैज रिपेड और हैज बीन डीम टू बी द इनकम ऑफ एनी पर्सन ही विल नॉट बी अगेन लाइबल टू असेस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनकम ऑन रिपेमेंट सच अमाउंट. हाँ मान लो यदि मेरी ये इनकम 2025 में पकड़ 22 में पकड़ी थी, मैंने 22 में मान लिया ठीक है मैंने नहीं बताई थी तो उन्होंने टैक्स लगा दी, अब मैं नेक्स्ट साल जब उसे दे रहा हूँ रिपे कर रहा हूँ, पहले लिया था मैंने उन्होंने उस समय पता लग गया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट टैक्स लगा दिया, अब जब मैं रिपेड कर रहा हूँ फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा है तो वही हुंडी, तो अब दोबारा नहीं बनाएंगे आपकी इनकम का पार्ट, एक बार ही बनेगी. चलिए तो ये हमारे कुछ स्पेसिफाइड, मैं बोला लास्ट में बताऊंगा आपको स्पेसिफाइड टैक्स रेट इनकम होती है. तो एक तो होती है 115BBE में जहां पर मैं अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम देखो ना, अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम होती है, अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम के रिगार्डिंग अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम के अंदर हम बात करते हैं 115BBE में
पूरी की पूरी छह इनकम के ऊपर टैक्सेशन की रेट दी हुई है, जो कि आपको डिस्क्लोज की गई अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D, करेक्ट। चलिए इन छहों के अंदर जो आपने इनकम टैक्स अल्टीमेटली इनकम कंप्यूट की है इन सेक्शंस के अंदर, उस पर टैक्स की जो रेट रहेगी वो 60% रहेगी अंडर सेक्शन 115 BBE, प्लस 25% सरचार्ज की रेट रहेगी, सो द इफेक्टिव रेट इज 78%। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ बार बार, भूल कर भी इस तरीके से इनकम नहीं चुरानी है, नहीं बचानी है, नहीं छुपानी है, ऑफर कर दो, जो लेजिटमेट टैक्स की अमाउंट है वो पे कर दो। हाँ, एक और स्पेसिफिक टैक्स की रेट होती है 115 BBE, ये होती है जब आप ये इनसे पैसा कमाते हो ना, लॉटरी, सट्टेबाजी, गेम, गैम्बलिंग वगैरह, तो कौन कौन सी लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये जो पेपर में आते हैं ना भरने के लिए क्रॉसवर्ड पजल्स, वो रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस और कार्ड गेम, अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम को छोड़ के इन सारी चीज़ों से यदि आप कोई पैसा कमाते हो तो यहाँ पर टैक्स की रेट 30% रहेगी। इसके बाद 115 BBJ है, यहाँ पर आप ऑनलाइन गेम्स के केस में भी रेट 30%। वैसे यदि आप दोनों अलग भी नहीं रखो, आप तो टोटल याद रखो, गेम वगैरह से कोई भी इनकम कमाई ना, तो उस पर सीधा 30% का रेट है, अलग से कोई नॉर्मल प्रोविजन नहीं लगेंगे, सीधा 30% टैक्सेबिलिटी आने वाली है। यहाँ पर TDS की रेट भी 30% रहती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, उसके अलावा कुछ और स्पेसिफाइड टैक्स रेट की इनकम होती है जो आप कैपिटल गेन हेड में पढ़ोगे, 112, 112A और 11111A। ये पर मैं जब रेस्पेक्टिवली कैपिटल गेन हेड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ बच्चों योर चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें करी आप लोगों से। अल्टीमेटली हमने यहां पर देखा कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है, पावर टू लेवी टैक्सेस, सोर्सेज ऑफ द टैक्सेस हमने बात करी थी, करेक्ट, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में सेक्शन 4 देखा था, फिर हमने एक पूरा फॉर्मेट देखा था कैसे हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, इसमें हमने सारी स्टेप्स देखी थी, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी जहां पर अपन लोगों ने बातें की थी, असेसी क्या होता है, पर्सन क्या होता है 231 में, करेक्ट। उसके बाद असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में बात करी थी, फिर हमने बात की थी नॉर्मली तो हमारी इनकम असेसमेंट जो प्रीवियस ईयर में हमने अर्न करी है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जहां पर सेम ईयर की इनकम सेम ईयर में ही टैक्सेबल कर देते हैं, तो वो हमने कुछ केसेस भी देखे थे यहां पर। उसके बाद हम लोगों ने आज कुछ चीजें पढ़ी थी, हमने टैक्स रेट्स देखी थी इंडिविजुअल AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में, फिर हमने उनसे रिलेटेड सरचार्ज की रेट भी देखी थी, फिर हमने कंपनीज के केस में टैक्स रेट और सरचार्ज की रेट देखी, फर्म के केस में सरचार्ज और टैक्स की रेट देखी, फिर हमने कॉपरेटिव सोसाइटी के केस में भी टैक्स की रेट और सरचार्ज की रेट देखी थी, फिर हमने कुछ कॉमन नोट पढ़े थे जो कि स्पेसिफाइड टैक्स रेट ऑफ इनकम के बारे में बात की थी, फिर हमने मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात की थी, फिर हमने रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में बात की थी, फिर हमने एक नई टैक्स रिजिम जो आई है इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए 115 BSE उसके बारे में बात की थी। उसके बाद अपन लोगों ने यहाँ से कुछ कंडीशन अटैच थी, उन कंडीशंस के बारे में बातें की थी, करेक्ट। एंड उसके बाद फिर अपन लोगों ने कुछ अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात की थी, जो कि सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D के अंदर, जिसकी फिर हमने उनसे रिलेटेड टैक्स रेट भी देखी थी 115 BBE, 115 BBE और 115 BBJ, और कुछ हमने अदर टैक्स रेट थी कैपिटल की 112, 112A और 111A, करेक्ट। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट एंड आई होप you liked it and you ultimately that particular lecture helps you a lot, correct? So if you like the content, just share as much as possible and like the thumb button. So bye bye and take care. If you have any queries, you just post your queries, I will reply you definitely. Bye bye, take care.